अपना टाइम भी आएगा कि सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Zee5 पर। अभी आप डाउनलोड करें। जिस घर के नमक का फर्ज अदा करना चाहिए था तूने उन्हीं की थाली में छेद कर दिया। अरे कम से कम अपनी और नंदिनी के बीच के फर्क का तो ध्यान रखती तो। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है चंपा, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तुम तो इज्जत की बात करो ही मत कुमुद, बड़े हुकुम के साथ क्या चक्कर चल रहा है ना, अच्छे से जानती हूँ मैं। कैसे छुप छुप के घुस घुस के बातें करती हूँ ना, ये भी अच्छे से जानती हूँ मैं। चुप, एकदम चुप। इज्जत के साथ साथ अकल भी बेच खाई है तूने। अरे कुमुद ने कितना कुछ किया है तेरे लिए और तू उसी पे उंगली उठा रही है। पहले ही इस घर से निकाल देना चाहिए था। बस हो गया, अब उठा तेरा सामान और निकल जा यहाँ से। बस जाने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं रानी साहब। एक बार इसे पढ़ लीजिए, फिर आप चाहे तो हम कभी आप सबको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे प्रिंस। इधर आओ रानी। ये लेटर किसने लिखा है? रानी साहू, असल में बड़बड़ाना बंद करो और साफ साफ बताओ ये लेटर किसने लिखा है? हमने लिखा है रानी साहब। इसका मतलब तुमने प्रिंस जय के नाम की चिट्ठी लिखकर चंपा को गेस्ट रूम में भेजा? अपना टाइम भी आएगा कि सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Zee5 पर। अभी आप डाउनलोड करें।